नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप बिहार के 12 करोड़ लोगों को, आम जनता को, नौजवानों को, सब लोगों को प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब उत्सवों का सीजन प्रारंभ हो गया है, मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद छठ, दिवाली, दशहरा और फिर बाद में होली, रामनवमी, ये त्योहार लगातार अब चलेंगे अप्रैल तक। बिहार, जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं, सांप्रदायिक सद्भाव की धरती है, वीरों, बलिदानियों, शहीदों, त्यागियों, क्रांतिकारियों की धरती है, पीरों, मौलवियों, संतों, ऋषियों, मनीषियों की धरती है। बिहार की धरती से शांति का संदेश दुनिया के कोने कोने में गया है। बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे वो ईद हो या मुहर्रम हो, रामनवमी हो या दशहरा हो, कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नासमझी में उलझ जाते हैं, गली का झगड़ा, नली का झगड़ा, आपस का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर जो आपसी विवाद होते हैं उनका रूप भी सांप्रदायिक हो जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह सोचना चाहिए कि समाज में अगर दो समुदाय के लोगों के बीच में कटुता रहेगी, द्वेष रहेगा और किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। और इससे फायदा किसको? किसी को फायदा नहीं होता, सबका नुकसान होता है। और केवल नुकसान होता है, खास करके युवाओं का तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं एक नीति पुलिस मुख्यालय ने बनाई है कि इस तरह के मामले में जो भी पकड़े जाएंगे, जिनका नाम आएगा, उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज किया जाएगा। अब गुंडा पंजी थाने की एक स्थायी पंजी है, एक बार गुंडा पंजी में नाम हो गया, केस होगा, मुकदमा होगा, ट्रायल होगा, जेल जाएंगे, सजा मिलेगी, ये बात अलग है। लेकिन इसके अलावे गुंडा पंजी में नाम एक बार दर्ज हो गया तो भारी संकट है। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की अनुज्ञप्ति नहीं मिल सकती, लाइसेंस नहीं मिल सकता, आपका चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, चपरासी की भी, चौकीदार की भी, आप मेधावी हैं, आपका भविष्य, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप आईएएस हो सकते हैं, आप आईपीएस हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सारी मेधा बेकार हो जाएगी क्योंकि आपको चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। तो जब नौकरी में ज्वाइन करता है आदमी तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसमें आपके वो सर्टिफिकेट में आपको गुंडा लिख करके दिया जाएगा, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए बेकार हो गए और प्राइवेट में भी आपको नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। झूठे केस में अगर आपका नाम भी आएगा तो निष्पक्ष अनुसंधान करना मुश्किल होगा। और इसके अलावे आपका आपराधिक इतिहास बनेगा, जब जब भी वहां किसी तरह की समस्या होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, कोई फसाद की स्थिति आएगी, तब तक आपका नाम आएगा। तो जब जब कुछ होगा तब तब आपको खोजा जाएगा, तो आप पर मुकदमों की संख्या बढ़ती जाएगी, निगरानी कार्रवाई हो सकती है, जिसको कहते हैं सर्विलेंस प्रोसीडिंग, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, आपको थाने में हाजिर देने को कहा जा सकता है, आपकी प्राइवेसी खत्म हो सकती है, आपके घर कभी भी पुलिस दस्तक दे सकती है बिना किसी वारंट के, निगरानी कार्रवाई में आप अगर आ गए तो। ये सब नौजवानों को समझना चाहिए। आप पर सीसीए भी लग सकता है, सीसीए कितना खराब चीज आप जानते हैं, और नौकरी, बिजनेस, नेतागिरी भी कर, किसी को नेतागिरी करने का शौक है तो नेतागिरी करने भी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि छोटे केस में, छोटे अपराध में भी आपको सजा मिल गई तो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस तरह से हमारे नौजवान चूंकि इतनी बातें नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए तमाम किशोरों को, तमाम नौजवानों को, बिहार के 12 करोड़ आवाम से मैं अपील करता हूं कि बिहार की शान, बिहार की गरिमा, बिहार की मर्यादा इसी में है कि हर पर्व त्योहार और वैसे भी पूरे सूबे में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बना करके रखें। और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जहां जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करें, किसी जात के हों, किसी मजहब के हों,
उनके साथ किसी भी कीमत पर कोई भी मरव्वत न की जाए, किसी प्रकार की पैरवी नहीं सुनी जाए और ऐसे लोगों को बुक किया जाए, ऐसे लोगों का नाम गुंडा पंजी में लाया जाए। लेकिन अभी मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, या सातवां महीना है, छह महीना पहले मैं डीजीपी बना था, उसके बाद कई उत्सव आए, उसके बाद होली का त्योहार आया, रामनवमी का त्योहार आया, सभ्य बरात गुजरी, चुनाव भी गुजरा और कई त्योहार, ईद भी आई गई, लेकिन कहीं भी संपूर्ण बिहार में कोई सांप्रदायिक फसाद या सांप्रदायिक गंभीर संकट पैदा नहीं हुआ। ये मेरे चलते नहीं हुआ और ये केवल बिहार पुलिस के चलते नहीं हुआ, बल्कि बिहार की 12 करोड़ आवाम के सहयोग कारण हुआ। वही सहयोग मुझे इस मुहर्रम में भी चाहिए, वही सहयोग मुझे आने वाले दशहरा में भी चाहिए, दिवाली में भी चाहिए, छठ में भी चाहिए, होली में भी चाहिए, रामनवमी में भी चाहिए। आइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, बिहार सरकार, ये सुशासन की सरकार है, बिहार सरकार हर कीमत पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहती है। हम सब मिल करके बिहार की गरिमा को बचाए रखने के लिए, बिहार की मर्यादा को बचाए रखने के लिए ऐसा प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाए कि हमारे मुहर्रम सहित आने वाले सभी त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में गुजर जाएं। मेरा आप सबों को प्रणाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार।